अरे रुकना जरा। तुम तो जानते ही हो, अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचा देने वाला अभिशाप हूँ मैं, फिर भी मुझसे पंगा ले लिया। सर, सर, सॉरी सर। हर घंटे तेरे घर का एक मेंबर स्वर्ग पहुंचेगा। नहीं, नहीं सर। ऐसा ना हो, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा जानते हो? गणेश को यहाँ बुलाना होगा। शाबाश पापा। मीडिया में तेरी जान पहचान है ना, थोड़ी हमारी भी है। अगले घंटे की ब्रेकिंग न्यूज क्या होगी जानते हो? डीजीपी पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया और वो नर्क पहुंच गए। इस हमले में पुलिस वाले भी शहीद हो गए और इत्तेफाक से वहां मौजूद सीएस का छोटा भाई भी शहीद हो गया। इन हत्याओं का गवाह कौन होगा? तुम होगे। सर, 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 प्लीज देखिए सर, उसको हॉस्पिटल ले जाना है मुझे। हॉस्पिटल तेरी तो। रिलैक्स, ले जाना, लेकिन अपने बेटे को बुलाने के बाद। चल फोन निकाल, बुला उसे। हाँ पापा। गणेश, मेरी बात सुनो, इसी वक्त डीजीपी के ऑफिस आ जाओ। अभी आता हूँ, पर आप इतने टेंशन में क्यों हैं? जल्दी से आ जाओ। पापा, 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 हेलो, पापा, हेलो। चलो अपने भाई को संभाल जाके चल। ए, जाना। ए, घूर क्या रहे बे? चलना। ए, सुनो रे, इन सब को ले जाके कमरे में बंद कर दो, वो आएगा और मरेगा। मेरे भाई, क्या हो गया तुझे? अरे उठ, उठ, उठ। ये क्या हुआ? चाचा, 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 कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। हे, कुछ नहीं होगा, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। पापा, मैं चाचा को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, वहां ये। चाचा, 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 गणेश, तुझसे भीख मांगता हूँ, खुद को उनके हवाले कर दे, तभी वो तेरे चाचा को हॉस्पिटल ले जाने देंगे, नहीं तो तेरा चाचा खत्म हो जाएगा। चाचा को मरने नहीं दूंगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं खुद को सरेंडर करता हूँ, बस चाचा, चाचा को बचा लीजिए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, उन्हें ले जाइए पापा। मेरे भाई, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे। हमें बच्चे की जरूरत नहीं है, हमारा बेटा तो ये है। थोड़ी देर और रुक जाओ, वो भी टपकने वाला है, फिर दोनों को साथ ले जाना।
सर मुझे जाने दीजिए, नहीं तो ये मर जाएगा। बोल रहा हूँ ना, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ, एक मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। मेरे बेटे की भी यही प्रॉब्लम है सर। मतलब? वो अपने चाचा से बहुत प्यार करता है, अगर उसके चाचा को कुछ हो गया तो पता नहीं वो क्या करेगा। क्या करेगा वो? मैं अपने बेटे को जानता हूँ, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ सर। क्या उखाड़ लेगा? चीर के रख देगा, मार डालेगा, तुझे भी मार डालेगा। मुझे मारेगा? अगर मैंने उससे कह दिया कि तेरा चाचा मर गया तो फिर तुझे मैं क्या बचाऊंगा? अगर भगवान भी आ जाए वो भी नहीं बचा सकता। धनुष, अगर उसके चाचा को कुछ हुआ तो हमें टपका देगा। भतीजे को छोड़, पहले इसका गेम बजा। क्या कहा? मेरे भाई को मारेगा, इसको मरवाएगा? मार के दिखा, तब है तो मार। ए बजा, ये दरिंदे तेरे चाचा को मारने जा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए तुझे पाला था? हिम्मत है तो अपने बाप को हॉस्पिटल पहुंचा कर दिखाओ। चाचा, बस दो मिनट और, बस दो मिनट और चाचा, आपका ये बेटा आपको बचा कर रहेगा। मैं रहूं ना रहूं चाचा, आपको जिंदा रहना होगा। यहाँ से जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे, कुछ नहीं होगा, बस दो मिनट रुक जाइए चाचा। अगर जिंदा बचा तो अपने बाप को हॉस्पिटल लेकर जाना। मैंने तुझसे कहा था ना, इस खेल में दम की जरूरत होती है, अगर दम है तो ये खेल जीत कर दिखा। हत्या हो गई है, पुलिस उन हमलावरों की तलाश में जुटी है। इस घटना में घायल हुए डीजीपी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी हालत नाजुक है। फिक्र मत कीजिए, वो खतरे से बाहर है। सीएम साहब ने मेरे सामने दम तोड़ा। यह
यस। कल मेरा लास्ट वर्किंग डे था। सीएम अपने फैमिली के साथ आने वाले थे ताकि वो लोग मुझे बधाई दे सके, पर सीएम के साथ सिर्फ उनका बेटा आया। वो खुद को सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उसी वक्त 10 आतंकवादी वहां घुस आए और हम सब पर अटैक कर दिया। डीजीपी को 3 गोलियां लगी और 1 गोली मेरे चाचा को लगी। इतनी उम्र होने के बावजूद सीएम ने टेररिस्ट से मुकाबला करने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन अंत में वो देश के लिए शहीद हो गए। बेटा बाप पर हमला होते हुए नहीं देख पाया और बस उनसे लड़ते हुए वो भी शहीद हो गया। किसी तरह गना ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस आने से पहले आतंकवादी वहां से जा चुके थे। मरते वक्त मुझे पास बुलाकर सीएम ने एक बात कही, गना मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे अपनी जनता की बहुत फिक्र है और मैं मरने से पहले जगन्नाथ रेड्डी की बेटी से मिलना चाहता हूँ। उनकी बेटी हंसिका जो MLA है उसे CM बनाना चाहता हूँ। ये कहते कहते ओम नमः शिवाय हो गए। ओम नमः शिवाय। हंसिका जी जिंदाबाद, हंसिका जी जिंदाबाद। CM सर को बचाने के लिए गना ने जी जान से कोशिश की, लेकिन वो CM को बचा नहीं पाए। हमारे लेट CM एक बहुत ही ग्रेट CM थे। उनके लिए ताली जोर से और जोर से आप भी बजाइए। हाँ जी, तालियां बजाइए, पूरे शहर में आवाज पहुंचनी चाहिए। तालियां बजाइए, आप भी बजाइए ना। जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए। नहीं, ऐसे नहीं।